बगहा में मदनपुर वन इलाके के गोबरहिया गांव में जंगली भैंसों ने उत्पात मचा रखा है। वन विभाग के आला अधिकारी और कर्मी शुक्रवार से ही जंगली भैंसे को भगाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। काफी कोशिश के बाद एक भैंसा जंगल की तरफ भाग गया है, जबकि दूसरा अब भी रिहायशी इलाके में उत्पात मचा रहा है। इससे इलाके के लोग दहशत में हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से रिहायशी इलाके में पहुंचे जंगली भैंसों ने ग्रामीणों को संकट में डाल दिया है। शुक्रवार की सुबह गोबरहिया गांव में भैंसों के हमले में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। उनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना के तत्काल बाद वन विभाग की टीम पहुंची और जंगली भैंसों को रिहायशी इलाकों से जंगल की तरफ भगाने की कवायद में जुट गई। दिन भर चिलचिलाती धूप में काफी मशक्कत के बाद एक भैंसा जंगल की तरफ भाग गया, जबकि दूसरा अब भी रिहायशी इलाके में विचरण कर रहा है। वह लोगों के घर में घुसकर भारी उत्पात मचा रहा है, लिहाजा इलाके के लोग अब भी भयभीत हैं। हालांकि वन विभाग के कर्मी अभी भी उसे भगाने की कोशिश में जुटे हैं। बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सैकड़ों की संख्या में जंगली भैंसे हैं। जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक साथ 100 से 150 की संख्या में ये भैंसे नजर आते हैं। इसी में से जंगली भैंसों का झुंड विचरण करता हुआ मदनपुर वन क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। भैंसों का झुंड शुक्रवार से इस इलाके में जमकर उत्पात मचा रहा है। गोबरहिया गांव के 3 किसानों को भैंसों ने मारकर जख्मी कर दिया है। विभाग की उपनिदेशक अनीता राज भी शुक्रवार से ही मौके पर कैंप कर रही हैं। देशवाणी न्यूज के लिए बगहा से अभिषेक की रिपोर्ट।